हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचर एडवाइजर। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोटल गार्ड यानी कि लौकी के बारे में। भारत में लौकी को कद्दू, काशीफल, घिया इत्यादि नामों से जाना जाता है। भले ही आपको लौकी का जूस पसंद ना हो, लेकिन आप इसके फ़ायदे जानकर हैरान रह जाएंगे। तो आइए इसके गुणों को देखते हैं। आपको बता दें कि लौकी यह आपके शरीर में विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन और सोडियम की कमी को पूरा करता है। इसके अलावा लौकी में कई ऐसे गुण होते हैं जो कुछ गंभीर बीमारियों में औषधि की तरह कार्य करते हैं। लौकी का उत्पादन सबसे पहले भारत में शुरू हुआ था। ये भारत की सबसे उपयोगी फसलों में एक मानी जाती है। आमतौर पर लौकी दो प्रकार की होती है, गोलाकार और बेलनाकार। बेलनाकार घिया का उपयोग दूर के इलाकों में बेचने के लिए किया जाता है, जबकि गोलाकार लौकी का उपयोग स्थानीय क्षेत्रों में किया जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि लौकी को हम औषधि के तरह से किस तरह प्रयोग में ला सकते हैं। तो आयुर्वेद के मुताबिक लीवर फंक्शन को सुचारू रूप से चलाने और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए लौकी का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद होता है। यदि किसी व्यक्ति को अपना वजन कम करना है या कोई व्यक्ति जल्दी से जल्दी अपना वजन कम करना चाहता है, तो लौकी का सेवन बहुत ही बेहतरीन उपाय है, क्योंकि इसमें 96% वाटर यानी पानी होता है और प्रति 100 ग्राम लौकी में 12 कैलोरी ऊर्जा होती है। फाइबर की अच्छी खासी मात्रा होने से भूख जल्दी नहीं लगती और पेट भरा भरा सा रहता है। ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने के लिए भी लौकी की मदद लेते हैं। लौकी में सोडियम, पोटेशियम के साथ साथ ऐसे कई मिनरल्स पाए जाते हैं जो लौकी के सेवन से ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने में मदद मिलती है। साथ ही दिल की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। लौकी पाचन क्रिया को ठीक रखता है। कब्ज जैसी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों के लिए लौकी खाना बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर पेट की अंदरूनी सफाई करता है। साथ ही एसिडिटी की प्रॉब्लम होने पर लौकी का जूस पीना हमारे लिए फायदेमंद होता है। पाइल्स की समस्या में जो पेशेंट हैं इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर जो है पेट में कब्ज नहीं होने देता। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम के टेंशन से बच पाना मुश्किल है, साथ ही खराब खान पान इसे दोगुना कर देता है। लौकी में मौजूद पानी की मात्रा बॉडी को रिफ्रेश रखने में मदद करती है, जिससे तनाव में राहत मिलता है। लौकी में बहुत सारी कैलोरी पाई जाती है, इसलिए ये बच्चों, पाचन संबंधी रोगों से पीड़ित लोगों और किसी बीमारी या चोट से उबरने के लिए अच्छा उपाय है। लौकी खाकर शरीर को ठंडा रखा जा सकता है। साथ ही इसका जूस पेशाब करते समय हो रही जलन की समस्या को दूर करता है। जलन का मुख्य कारण पेशाब में एसिड की मात्रा का ज़्यादा होना है। इस समस्या से जल्द छुटकारा पाने के लिए लौकी का जूस या इसका सब्जी आप सेवन कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन की शिकायत रहती है तो वो लौकी का सेवन कर सकता है, क्योंकि लौकी में सोडियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। खीरे की तरह लौकी में भी पानी की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो शरीर में पानी की कमी को दूर करता है। सिर्फ एक गिलास लौकी का जूस पीने से सोडियम की कमी, मोटापे की समस्या, सूरज की रोशनी में प्यास लगने की समस्या दूर हो जाती है। घंटों तक धूप में ट्रेवल करने के बाद भी लौकी का जूस पीने से प्यास कम लगती है। पिंपल्स यानी स्किन डिजीज में भी इसके फायदे हैं। लौकी का जूस पेट की अंदरूनी सफाई करता है, जिससे चेहरे पर धूप, धूल और पॉल्यूशन से होने वाले किल मुहासों से छुटकारा मिलता है। साथ ही त्वचा खूबसूरत और कोमल बनी रहती है। जो व्यक्ति डायबिटीज यानी मधुमेह से परेशान है, उन्हें लौकी का सेवन जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर खाली पेट लौकी का जूस पीना डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चूंकि लौकी में कई तरह के प्रोटीन, विटामिन और लवण पाए जाते हैं, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक पाया जाता है। ये पोषक तत्व तो शरीर की कई आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और साथ ही साथ हमें कई बीमारियों से सुरक्षित भी रखते हैं। लौकी का इस्तेमाल करना दिल के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। इसके इस्तेमाल से हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने से दिल से जुड़ी बीमारी होने के खतरे बढ़ जाते हैं, पर यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। लौकी को हरी सब्जियों में गिना जाता है और यह शरीर में ताजगी बनाए रखता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि लौकी का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो लौकी के जूस का सेवन करते समय यह ध्यान रखें कि इसे किसी अन्य वेजिटेबल जूस के साथ मिक्स ना करें। लौकी का जूस बनाने से पहले उसे टेस्ट कर लें, यदि यह कड़वी है तो इसका सेवन बिल्कुल ना करें।
इसमें टेट्रासाइक्लिक होता है जो आपको हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, जिमी चलाना, गैस जैसी समस्याएं दे सकता है, अतः इसका प्रयोग करते समय सावधानी रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी नई जानकारी दी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।